नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर प्रमुख एवं खास खबरों पर, जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर में नगर पालिका प्रशासन को प्रतिबंधित पॉलिथीन की सूचना मिलने पर टीम ने मारा छापा। प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल के साथ साथ नकली पान मसाला और ब्रांडेड कंपनी के नकली खाद मसालों का जखीरा हुआ बरामद। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र कैलगवा चौराहे की कुछ नजदीक सुनसान जगह बने एक मकान में नगरपालिका की टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन उतरने की सूचना पर छापा मारा और छापे के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन और डिस्पोजल बरामद हुआ है। ये गोदाम पप्पू शाहू पुत्र रामकिशन साहू निवासी पनारी निवासी की बताई गई है। मौके पर प्रशासन ने एक कंटेनर भरी प्रतिबंधित डिस्पोजल बरामद की, जिस पर जिला प्रशासन के नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी लवकुश त्रिपाठी, सीओ सिटी अभय नारायण राय, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निहाल चंद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार, कर निर्धारण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, कर अधीक्षक विशाल सिंह, राजस्व निरीक्षक आशुतोष, अमित पाराशर, स्वास्थ्य लिपिक सुधीर रावत, नजूल लिपिक आदि मौके पर उपस्थित रहे। Thank you.